अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, ब्रांड मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, हमारी वीडियो देख रहे होंगे और पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे। चलिए लेकर आ गए हो मैं आपके लिए एक नया और फ्रेश वीडियो। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं उर्दू बाल भारती छठी जमात के लिए। हमारी मीडियम है उर्दू, मज़मून भी उर्दू है, जमात शशुम। और आज जो सबक हम पढ़ने वाले हैं, सबक नंबर 20 हेलन केलर, ये इसका पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाए हैं, मुझे उम्मीद है कि आपने वो देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो पहले वो वाला वीडियो जाकर देखिए, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिए, तो आपको पूरा सबक समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC VTC उर्दू दिख रहा है, उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितने भी वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है, देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसे नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन? तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपने कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना, तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चों आपके? वेरी गुड, चलिए बढ़ते आगे। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज। चलिए ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए सीधा बढ़ते हैं हमारे सबक की तरफ। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम पढ़ने वाले हेलन केलर का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 हमने बनाए थे, आपने देख लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं, क्विक रिकैप ले लेते हैं, पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। हेलन केलर की कहानी आगे बढ़ गई थी, ठीक है, देख लेते हैं हमने पिछले वीडियो में क्या देखा। चलिए तो सबसे पहले पिछले वीडियो में हमने बात की हवा से खमसा की। काय की बात की? हवा से खमसा, यानी देखना, छूना, सूंघना, चखना और सुनना, ये इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। इनके बगैर एक आम इंसान की ज़िंदगी बेहिस और बेमज़ा होकर रह जाती है ना। जानते हैं ना आप लोग हवा से खमसा? कौन कौन से हमारे हिस्से अज़ा? नाक है जिससे हम सूंघते हैं, आँखें हैं जिससे हम देखते हैं, चखना जबान से हम चखते हैं, सुनना कान से सुनते हैं, और छूना यानी हमारी जिल्द, इससे हम छूते हैं, महसूस करते हैं ठंडा है, गर्म है, कैसा है। तो ये हमारे हिस्से अज़ाए और इसको कहते हैं हमारे हवा से खमसा। ये एक इंसान के लिए ज़रूरी है। लेकिन आज हम जिस लड़की की कहानी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, हेलन केलर, वो बाज़ हवा से खमसा से महरूम थी। उसके पास कुछ हवा से खमसा नहीं थे, इसके बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी और किसी रुकावट को अपनी तरक्की में हायल नहीं होने दिया। उसी की कहानी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और हमारे सबक का नाम भी है हेलन केलर। तो ये पिछले वीडियो में हमने देख चुके हैं। उसके अलावा पिछले वीडियो में हमने देखे कि किस तरह वो बीमार हुई और फिर किस तरह उसके डैडी मम्मी यानी मम्मी पापा अम्मी अब्बा ने उसको डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने उसका इलाज किया, फिर एक मरतबा उसको नहला रहे थे तो आँखों में पानी जाता है, लेकिन उसकी आँखों में पानी नहीं जा रहा था, वो आँखें बंद नहीं कर रही थी, तो वापस डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने उसको अंधी और बहरी होने का ऐलान कर दिया और कहा कि शायद हमेशा गूंगी रहेंगी। वो लड़की कौन थी? हेलन केलर थी।
उसके बाद हमने देखा कि उसके वालिदैन उसको लेकर जाते हैं ग्राम बेल के पास। ग्राम बेल ने मशवरा दिया कि इसे एनी सेलवान के पास लेकर जाइए, वो गुंगों को बोलना सिखाती है। उनके पास ले गए तो उसने उस लड़की को बोलना सिखाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। वो पानी उसके हाथ पर टपकाती थी और फिर हथेली पर लफ्ज लिखती थी पानी। ये अमली मश मुतवातिर होती गई और वो क्या हो गई, सीखना उसने शुरू कर दिया। एक दिन में वो 30 अल्फाज सीख लेती थी और 6 महीने में उसने 625 अल्फाज सीख लिए थे। आगे हमने देखे कि हेलन केलर 10 बरस की होने तक बरेल हरफों पर उसने महारत हासिल कर ली थी और 24 बरस की उम्र में वो अमेरिका की पहली अंधी और बहरी ग्रेजुएट खातून थी। BA उन्होंने कर लिया था। आगे यहाँ पर बता रहे हैं कि हेलन केलर की तरक्की और आलमी शहरीत में उनकी उस्तानी का बड़ा हाथ था, यानी उनकी जो टीचर थी उसका बहुत बड़ा हाथ था। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि अगर उनकी टीचर नहीं होती तो हेलन केलर के नाम से मशहूर नहीं होती। और साथ ही साथ उन्होंने अंग्रेज़ी, जर्मनी, लातिनी, यूनानी और फ्रांसीसी ज़बान भी सीख ली और उन्होंने बोलना भी शुरू कर दिया था। किसने? हेलन केलर ने। चलिए, ये तो थी पिछले वीडियो की कहानी, अब बढ़ते हैं हम आज की कहानी की तरफ। तैयार है आप लोग? ओके, चलिए। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बरेल हरूफ के सहारे हेलन ने टाइपराइटर का इस्तेमाल भी सीखा। उसी के सहारे वो दुनिया भर के लोगों को खतूत लिखती। अपनी तहरीरों में उन्होंने कुदरती मनाज़िर और अपने अतराफ के माहौल को बड़ी पुरअसर ज़बान में बयान किया है। हालांकि ये मनाज़िर उन्होंने देखे नहीं थे। उन्होंने बरेल में लिखी दुनिया की कई अहम किताबों का मुताला किया और ख़ुद अपनी सवाने हयात भी लिखी। वो अपनी तहरीरों की वजह से इतनी मशहूर हुई कि दुनिया के कई मुल्कों में उनकी तहरीरों को महफूज कर लिया गया। उन्हें पढ़कर यकीन ही नहीं होता कि किसी नाबीना मुसन्निफा की लिखी हुई तहरीर है। समझ में आ रहा है आपके? बरेल हरूफ के सहारे हेलन क्या कर रही थी, टाइपराइटर का भी इस्तेमाल उन्होंने सीख लिया था। देखिए, वो तरक्की करते ही जा रही है, लगातार क्या कर रही है, तरक्की करती ही जा रही है। और इसी के सहारे उन्होंने, टाइपराइटर के सहारे उन्होंने दुनिया भर के लोगों को खतूत लिखे। अपनी तहरीरें उन्होंने कुदरती मनाजिर अपने अतराफ के माहौल को पूरा असर जबान में बयान किया है। हालांकि ये मनाजिर उन्होंने देखे नहीं थे। अपने आसपास के मंजर को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से लिखा है जबकि उन्होंने ये मंजर को देखा भी नहीं था। समझ में आ रहा है आपको? इसके अलावा उन्होंने बरेल में लिखी हुई दुनिया की अहम किताबों का मुताला किया और खुद अपनी सवाने हयात भी उन्होंने लिखी। सवाने हयात मतलब हमारी ज़िंदगी की कहानी। वो अपनी तहरीरों की वजह से इतनी मशहूर हुई कि उनके खतों को महफूज कर लिया गया, संभाल के रखा गया और उन्हें पढ़कर ये यकीन नहीं होता कि ये किसी नाबीना मुसन्निफा ने, यानी बिना आँखों वाली लड़की मुसन्निफा ने ये तहरीर लिखी है। आगे देखिए, अपनी आप बीती में हेलन केलर ने एक जगह लिखा है, कभी कभी मैं अपनी सहेलियों का इम्तिहान लेती हूँ ये जानने के लिए कि वो क्या देखती है। हाल ही में मेरी एक सहेली जंगल की सैर के बाद वापस लौटी। मैंने उससे पूछा, आपने वहाँ क्या क्या देखा? अपने आप बीती वो बता रही है कि उनकी सहेली जंगल में गई थी। वो जब जंगल से वापस आई तो हेलन केलर ने उनसे पूछा कि आपने वहाँ पर क्या क्या देखा, क्योंकि वो तो नाबीना थी ना, इन सब चीज़ों में उनको बहुत इंटरेस्ट था क्योंकि उनको आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता था। बराबर ना? इसके बाद जो चीज़ रहती है उसको उस चीज़ की कदर नहीं होती है। मैंने उनसे पूछा, आपने वहाँ क्या क्या देखा? उनको जानना था। कुछ ख़ास नहीं, उनका जवाब था। उनकी सहेली ने क्या जवाब दिया? कुछ ख़ास नहीं। सुनकर मुझे ताज्जुब नहीं हुआ क्योंकि मैं इस तरह के जवाबों की आदी हो चुकी थी। मुझे यकीन है कि जिन लोगों की आंखें होती है वो बहुत कम देखते हैं। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कह रही है हेलन केलर कि मुझे ज़रा सा भी ताज्जुब नहीं हुआ
के कुछ खास नहीं देखी, क्योंकि इन तमाम जवाबों की वो आदी हो चुकी थी। बार बार उन्हें इस तरह के जवाब मिलते ही रहते थे, लेकिन उनको जानने की ख्वाहिश होती थी क्योंकि उनके पास आंखें नहीं थी। वो जानना चाहती थी कि आंखें वाले क्या देखते हैं, इसीलिए वो यहाँ पर कह दिए कि मुझे यकीन है जिन लोगों की आंखें होती है वो बहुत कम देखते हैं, है ना। हम भी जाते हैं तो अरे यार कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही देख कर आ गए हम लोग, इस तरह बातें होती है। समझ में आ रहा है आपके? तो वही कह रही है यहाँ पर वो कि आंखें वाले बहुत कम देखते हैं। तो इस पैराग्राफ में हमने देखा कि वो टाइपराइटर का इस्तेमाल करने लग गई थी, दुनिया भर के लोगों को उसने खुदूत लिखा और पुरअसर अंदाज में मनाजिर को पेश किया, और दुनिया की मशहूर किताबों का उन्होंने मुताला किया, अपनी सवाने हयात लिखी और उनकी तहरीरों को महफूज कर लिया गया, और उनको पढ़ के यकीन नहीं होता कि किसी नाबीना मुसन्निफा ने लिखी है। और अपनी तहरीर में वो लिखती है कि एक सहेली मेरी जंगल गई थी, उसके आने के बाद मैंने उससे पूछा कि जंगल में क्या देखा, तो उसने कहा कि कुछ खास नहीं। यहाँ पर हेनन किलर कहती है कि जिन लोगों को आँखें होती है वो बहुत कम देखते हैं। समझ में आ गया आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते आगे अगले पैराग्राफ की तरफ। आगे कह रही है वो, क्या मुमकिन है कोई जंगल में घंटा भर घूमे फिरे और कोई ख़ास चीज़ ना देखे। वो पूछ रही है कैसा मुमकिन है कि कोई जंगल में जाए, एक घंटा घूमे फिरे और कुछ भी ना देखे, कुछ ख़ास ना देखे। वो आगे कह रही है कि सैकड़ों दिलचस्प चीज़ें मिलती है जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं लम्स से पहचान लेती हूँ कि पेड़ों की छाले कैसी होती है। क्या कह रही है वो कि जंगल में जाने के बाद सैकड़ों चीज़ें होती है देखने के लिए, लेकिन आंखें वाले उसे देखते ही नहीं हैं। वो कह रही है आगे कि मैं अपने लम्स से उनको छूकर पहचान लेती हूँ कि ये पेड़ों की छाले है। छाल समझता है ना आपको, यहाँ पे तस्वीर में दिख रही है इस तरह की छाले होती है पेड़ की। मैं मौसम बहार में टहनियों पर नई कलियाँ ढूंढती हूँ। मौसम बहार में, मौसम बहार तो आपको पता है कि मौसम बहार में नए नए फूल खिलते हैं, नए नए पत्ते आते हैं। तो वही यहाँ पर वो कह रही है एलन केलर के, मैं मौसम बहार में टहनियों पर नई कलियाँ ढूंढती हूँ। मुझे फूल की पंखड़ियों को छूने और उनकी बनावट को महसूस करने में बहुत खुशी होती है। फूल को छूने और उसकी बनावट को महसूस करने में बहुत खुशी होती है। हाँ, क्या नहीं थी उनके पास आंखें? नहीं थी, लेकिन वो अपने लम्स की मदद से, अपनी इसी अज़ा की मदद से वो पहचान लेती थी कि ये पेड़ों की छाले हैं, नई टहनियाँ आई है, नई कलियाँ खिली है, ये फूल है। मुझे कुदरत की सन्नाई का एहसास होता है। इस आलम में जब कभी मैं किसी पेड़ की टहनी पर हाथ रखती हूँ तो चिड़िया की मीठी आवाज़ मेरे कानों में गूंजती है। उनके कान तो नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हें महसूस होता है कि चिड़िया क्या कर रही है, मीठी आवाज़ में बोल रही है, उनके कानों में बजती है। इस तरह वो महसूस करती थी। कौन? हेलन केलर। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते और उसे महसूस करते मुझे बे इंतहा मसर्रत होती है, बहुत खुशी होती है। उनको ऐसा लगता है कि दोनों उंगलियों के दरमियान से झरने बह रहे हैं, इंतहाई मसर्रत खुशी होती है। बदलते हुए मौसम का समा मेरी ज़िंदगी में नए रंग और खुशियाँ भर जाता है। देखिए, उनके पास बाज़ हिस्से अज़ा कम थे, जैसा कि आप लोग जानते हैं। वो देख नहीं सकती थी और सुन भी नहीं सकती थी, यहाँ तक कि बोल भी नहीं सकती थी। किसी तरह उन्होंने बोलना सीखा, लेकिन उनकी आंखें अभी भी नहीं थी और कान भी अभी उनके पास नहीं थे। वो सुन नहीं पाती थी, नाबीना थी, कानों से सुनाई नहीं देता था, लेकिन फिर भी इतने अच्छे अंदाज में वो मौसम को बयान कर रही है, मनाजिर को पेश कर रही है। वो कह रही है कि सैकड़ों दिलचस्प चीज़ें होती है जंगल में, मैं अपने
लम्स से ही पहचान लेती हूँ, मुझे आँखों की तो ज़रूरत भी नहीं है। वो बोल रही है कि मैं पेड़ों की छाल को पहचान लेती हूँ, मौसम में बाहर में नई टहनियों पर नई कलियाँ खिलती है वो भी मैं जान जाती हूँ। फूलों को हाथ लगाने से, उन्हें महसूस करने से मुझे उनकी बनावट बहुत अच्छी लगती है, मुझे खुशी मिलती है। किसी टहनी पर मैं हाथ रखती हूँ तो ऐसा लगता है कि चिड़िया गा रही है, मीठी मीठी आवाज़ उनके कानों में आ रही है और उनको ऐसा लगता है कि झरना बह रहा है। बहुत उनको मसरत होती है, खुशी होती है। वही कह रहे हैं यहाँ पर कि बदलते हुए मौसम का समा मेरी ज़िंदगी में नए रंग और खुशियाँ भर जाता है। हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि वो उनके पास आँखें और कान नहीं थे। चलिए बढ़ते आगे और जानते हैं आगे की कहानी। देखिए आगे वो कह रही है कि कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने से इतनी खुशी मिलती है तो इनकी खूबसूरती को देखकर तो मेरा दिल बाग बाग हो जाएगा। जाहिर सी बात है वो भी इंसान है, उनका भी दिल मचल उठता था, वो भी चाहती थी कि मैं भी इन चीज़ों को देखूं, बराबर ना। वो सिर्फ हाथों से छूती थी तो उनको इतनी खुशी मिलती थी। अब यकीन जाने कि अगर उनकी आंखें आ जाती है और वह इन सब चीज़ों को देख पाती तो वो कितना खुश होती थी। वो कह रही है कि खूबसूरती को देखकर मेरा दिल बाग बाग हो जाएगा। यहाँ पर एक कहावत मुहावरा भी ऐड किया गया है। लेकिन जिन लोगों को आंखें हैं वह सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग खूबसूरत रंग उनके एहसास को नहीं छूते। इंसान अपनी सलाहियतों की कभी कदर नहीं करता, वो हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। बहुत खूबसूरत बात यहाँ पर कह रही है हेलन केलर के, जिन लोगों की आंखें होती है वो सचमुच कुछ नहीं देखते हैं, उनको कोई चीज़ उन पर कोई चीज़ असर नहीं डालती है। दुनिया के खूबसूरत रंग उन पर असर नहीं डालते हैं, उनके एहसास को नहीं छूते। वो अपनी सलाहियतों की कदर ही नहीं करते कि इंसान में किस तरह की सलाहियतें हैं। वो हमेशा इस चीज़ के आस लगाए रहते हैं कि जो मेरे पास नहीं है वो आ जाए। जैसे मैंने इससे पहले भी आपको बताया हूँ कि इंसान बहुत लालची है, जो चीज़ उसके पास होती है उस चीज़ की उसे कदर नहीं होती है, और जब उसके पास से वो चीज़ चली जाती है तब उसको उस चीज़ का एहसास होता है। हमारे पास आँखें हैं, मान लो अगर हमारे पास आँखें ना रहे, हमारी आँखें चली जाए, तब हमें एहसास होगा कि ये आँखें कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की। दूर 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 तक हम इससे देख सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत दूसरी आँख नहीं बना सकती। बड़े बड़े कैमरे बना लेंगे, बड़े बड़ी चीज़ें बना लेंगे, लेकिन दुनिया की कोई चीज़ ने आज तक इस तरह की आँख नहीं बनाई है जो कुदरत ने, अल्लाह ने हमें दी है। ये इतनी बड़ी नेमत है लेकिन हम उसकी कदर नहीं करते। सिर्फ आँखों की नहीं, बहुत सारी सलाहियतें हमारे अंदर है, हम उनकी कदर नहीं करते। हम इस आस में लगे रहते हैं कि जो चीज़ हमारे पास नहीं वह हमें मिल जाए, बस इसी के आस में हम भटकते रहते हैं। जो चीज़ हमारे पास है उसकी कदर नहीं करते और अपनी सलाहियतों को महसूस नहीं करते, अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल नहीं करते। अल्लाह ने हमें बहुत सारी सलाहियतें दी है, इतनी सलाहियतें दी है कि हम अच्छी तरह से हमारे सारे काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें वही चाहिए जो हमारे पास नहीं है। हमारे पास अल्लाह ने कान दिया है, नाक दी है, पूरी बॉडी हमें दिया है, जिस्म दिया है, हमारा जिस्म वर्किंग कंडीशन में है, हम चलते हैं फिरते हैं, हाथ है पैर है ना। इतनी सारी नेमतें अल्लाह ने हमको दी है लेकिन फिर भी हम उसकी नाकदरी करते हैं, हम कभी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। हमें हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तूने हमें सही सलामत बनाया है, हमारे जिस्म को सही सलामत दिया है। और जिन लोगों को ये चीज़ नहीं दिया है अल्लाह ताला ने, उन लोगों से जाकर पूछिए इन चीज़ों की क्या अहमियत है। आगे कह रही कि ये कितने दुख की बात है कि आँखों की नेमत को लोग हकीर समझते हैं,
जबकि इस नेमत के ज़रिए दुनिया की खुशियाँ को कौज़े कज़ा की तरह रंगीन बनाया जा सकता है। क्या कह रही है वो कि लोग आँखों को क्या समझते हैं, हकी समझते हैं ना, जरा सी तो आँखें हैं, है ना, ये कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई, नहीं, ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आगे कह रही है हेलन केलर के जब इस नेमत के ज़रिए ज़िंदगी की खुशियों को कौसे कज़ा की तरह रंगीन बनाया जा सकता है, रेम्पो की तरह रंगीन बनाया जा सकता है ना, जिनके जिनके पास आँखें नहीं होती है उनके पास सिर्फ एक ही कलर होता है, कौन सा, ब्लैक। आप आँखें बंद करो आपको कौन सा कलर दिखाई देगा, काला, लेकिन जिनके पास आँखें हैं उनको हर तरह के रंग दिखाई देते हैं, बराबर ना। तो वही यहाँ पर कह रही है कि आँखों की मदद से हम हमारी ज़िंदगी की खुशियों को कौसे कज़ा की तरह बना सकते हैं, रंगीन बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखे इस पैराग्राफ में कि हमें हमारे सलाहियतों पर फ़ख्र करना चाहिए, अपने सलाहियतों का इस्तेमाल करना चाहिए, अपने सलाहियतों की कदर करना चाहिए, जो अल्लाह ने हमें चीज़ें दी है उसकी हमें कदर करनी चाहिए और उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए, और जो हमारे पास नहीं है उसके पीछे भागना नहीं चाहिए, जो हमारे नसीब में है, जो हमारे किस्मत में है, वो हमें ढूंढता हुआ खुद हमें मिल जाएगा, शर्त है कि सिर्फ हम मेहनत करें, कोशिश करें। चलिए बढ़ते आगे, हेलन केलर को इंसानी फलाह व बहबूद के कामों से बड़ी दिलचस्पी थी। उन्होंने तालीम हासिल करने के बाद अपनी बकिया ज़िंदगी लोगों की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। अंधों और बहरों की खिदमत को उन्होंने अपना नस्बुल आयन बना लिया, अपना मकसद बना लिया। फलाही कामों के लिए उन्होंने दुनिया के 25 ममालिक का दौरा किया और वहाँ के अंधों और बहरों की राहत पहुँचाई। उनकी तकरीरों से माजूरों को ढ्रास बनती और उनकी मायूसी उम्मीद में बदल जाती। खिदमत खल्क के इस मकसद ने दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरानों को मुतासिर किया और उन्होंने हेलन केलर को उनकी खिदमत का एतराफ़ में कई एजाज़ से नवाजा। उन्हें अमल का नोबल इनाम से भी सरफराज किया गया। इस इनाम को लेने के लिए जब वो गई तो उनसे सवाल किया गया कि ज़िंदगी में आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर करने वाली शख्सियत कौन है। हेलन ने अपनी उस्तानी का नाम बड़ी इज्जत और एहतराम से लिया। उस्ताद और शागिर्द की ये जोड़ी सारी दुनिया में बेमिसाल है और जहाँ हेलन का नाम लिया जाता है वहाँ एनी सलीवान को भी याद किया जाता है। देखिए, हेलन केलर ने अपनी पढ़ाई के बाद बकिया पूरी ज़िंदगी लोगों की खिदमत के लिए वक्फ कर दी, लोगों की खिदमत में लगा दी। उन्होंने अंधों और बहरों की खिदमत को अपना नज़्मुल आइन, अपना मकसद बना लिया। फलाही कामों के लिए उन्होंने अलग अलग मुल्कों का दौरा किया, 25 से ज़्यादा मुल्कों का उन्होंने दौरा किया। वह ऐसी तकरीर करती थी कि जो माजूर रहते थे बेचारे, जो ना उम्मीद रहते थे, उनमें उम्मीद जाग जाती थी। खिदमत खल्क के इस मकसद ने दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरानों को मुतासर किया और उन्होंने हेलन केलर को इन खिदमत का एतराफ़ में कई एजाज़ से नवाजा, उन्हें अवार्ड भी मिले। अंधों और बहरों की खिदमत वो लगातार करते ही जा रही थी और उन्हें अमन के नोबल इनाम से भी नवाजा गया, सरफराज किया गया। हाँ, ये नोबल प्राइज़ जो है ये दुनिया का, हमारी जितनी भी बड़ी दुनिया है उसमें ये सबसे बड़ा इनाम है, समझ में आ रहा है आपके, ये एजाज़ भी उन्हें दिया गया। और जब वो एजाज़ लेने के लिए गई, जब इनाम लेने के लिए गई, तो उनसे सवाल पूछा गया कि सबसे ज़्यादा मुतासर करने वाले शख्सियत कौन हैं आपकी पूरी ज़िंदगी में। तो उन्होंने किसका नाम लिया, अपनी उस्तानी एनी सलीवान का, कि वो उनसे ही पूरी ज़िंदगी में मुतासर हुए, उस जैसा शख्स उन्हें और कहीं नहीं मिला। तो ये होता है उस्ताद, उस्ताद अपने बच्चों को, अपने शागिर्दों को बड़े प्यार से, बड़े इत्मीनान से उन्हें तालीम देते हैं, संवारते हैं और आगे के लिए उन्हें तैयार करते हैं। उस्ताद की बहुत बड़ी अहमियत है। उस्ताद को हम ऐसे ही समझते हैं कि यार टीचर है यार, ये तो ऐसे ही करते हैं, नहीं, उस्ताद उस्ताद होता है चाहे वो कैसा भी हो। वो आपसे यही चाहता है कि आप कामयाब हो जाए,
आपकी ज़िंदगी संवर जाए, आप अच्छे शहरी बन जाए, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, कुछ कमा सके, अपने वालिदैन की खिदमत कर सके। एक मौलिम अपने तलबा से यही चाहता है, उसे और कुछ नहीं चाहिए, वो आपसे पैसा नहीं मांगता है, कुछ नहीं मांगता है, उसे ये चाहिए कि आपकी ज़िंदगी संवर जाए। उस्ताद और शागिर्द की ये जोड़ी दुनिया की बेमिसाल जोड़ी थी। देखिए यहाँ पर जहाँ हेलन का नाम लिया जाता है, उसके साथ एनी सेलवान को भी याद किया ही जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एनी सेलवान के बगैर हेलन केलर अधूरी है, समझ रहे आप लोग। चलिए बढ़ते आगे। हेलन केलर और एनी की दोस्ती इतनी मशहूर है कि उनकी ज़िंदगी पर बहुत सी फिल्में बनी गई। हाँ, बहुत सी फिल्में भी उनकी ज़िंदगी पर बनी हैं। आज हेलन केलर के नाम पर सैकड़ों फ्लाई इदारे सारी दुनिया में मज़दूरों की खिदमत में मसरूफ है। हेलन की याद को ज़िंदा रखने के लिए मुख्तलिफ ममालिक में उनके नाम के शहरा बने गए, सड़कें बनाए गए, चौराहों को नाम दिए गए। शुमाली अमरीका में हेलन के वतन टस्कम्बिया में उनका मुजस्सा नसब किया गया है, उनका पुतला भी वहाँ पर बनाया गया है। गूंगेपन की हालत में हथेली पर टपकने वाले पानी के कतरे के एहसास से पहला लफ्ज पानी सीखने के बाद मुसलसल मेहनत व मशक्क़त से अपने गूंगेपन पर फतेह पाने वाली हेलन केलर का इंतकाल 1 जून 1968 को हुआ। उस वक्त वो 88 बरस की थी। आखिर उम्र तक वो आंखों से अंधी और कानों से बहरी रही। अपनी माजूरी के बावजूद उन्होंने अंधों बहरों की फलाह के लिए ऐसे काम किए जो तमाम होश हवास के मालिक अफराद से भी मुमकिन नहीं है। समझ रहे हैं यहाँ पे आप बात। हेलन केलर और एनी सेलवान की दोस्ती इतनी मशहूर हुई कि उनके नाम पर फिल्में बनाई गई और उनके नाम से बहुत सारे इदारे कायम किए गए, सड़कों के नाम रखे गए, उनके नाम से चौराहों के चौकों के नाम रखे गए, उनका पुतला मुजस्मा नसब किया गया है उनके शहर में। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि पहला अल्फाज उन्होंने पानी सीखा और उसके बाद वो लगातार आगे बढ़ती गई, कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उन्होंने गूंगेपन पर फतेह पाई। वो गूंगी थी, बोल नहीं पाती थी, लेकिन उसने बोलना सीखा और उनका इंतकाल हुआ 1968 को। कितने बरस की थी वो? 88 बरस की। और आखिर उम्र तक वो अंधी और बहरी रही। आखिर सांस तक उन्हें ना सुनाई देता था और ना ही दिखाई देता था। और उन्होंने मज़दूरों के लिए ऐसे ऐसे काम किए कि जो अच्छे अच्छे आँखों वाले कानों वाले अफराद नहीं कर सकते। इस तरह उन्होंने काम किए। किसने? हेलन केलर ने। समझ में आया बच्चों आपके? तो ये थी हेलन केलर की कहानी जो यहाँ पर ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है आपको हेलन केलर की कहानी समझ में आई होंगी और आपने इससे कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो हेलन केलर की तरह आप भी कभी मत रुकिए, कभी पीछे मुड़कर मत देखिए, मेहनत कीजिए, मशक्कत कीजिए, लगातार बढ़ते रहिए। कामयाबी एक दिन आपके कदम ज़रूर चूमेंगी और कामयाबी आपसे सिर्फ एक कदम दूर है। सिर्फ आपको उसकी तरफ बढ़ना है, उसकी तरफ जाना है ना। अल्लाह भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद करना जानता है। तो अपनी मदद कीजिए। अपनी मदद कैसे करेंगे? मेहनत से, मशक्क़त से। कोई चीज़ हमें चाहिए तो उसके लिए हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। बिना मेहनत के तो कोई भी चीज़ हमारे पास नहीं आती है ना। अभी से आप मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए कि इंशाल्लाह मैं ज़रूर कामयाब होऊंगा और अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होऊंगा। अपना एम बनाइए, अपना मकसद बनाइए, जब कहीं जाकर आप उस मकसद तक पहुँच पाएंगे। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर से बाहर मत निकलिए और ख़ास बात अपने वालिदैन की खिदमत कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।